हाय, नमस्कार। मैं आपका हरीश, आपका अपना हरीश। जी हाँ, आज से मैंने यूट्यूब चालू कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ। तो मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए। होप आप मेरा साथ दोगे यूट्यूब पर। और मैं आज की आपको जर्नी के बारे में बताऊँगा कि मैं आज क्या करने जा रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो दोस्तों लगे रहिए मेरे साथ, मुझे साथ देते रहिए। आपका मुझे साथ चाहिए। सो थैंक यू गाइज ऑल। अब मैं अपने घर से जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें बाइक पे बैठा हुआ हूँ मेरे फ्रेंड के साथ, और मेरे आज की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा घर है, फिल्म सिटी इलाके में है, बम्बई के गोरेगांव फिल्म सिटी इलाके में मेरा घर है। और मेरे घर के बगल में ही जस्ट कपिल शर्मा या काफ़ी स्टार लोगों के बंगलोज हैं। जो ये वाला जो कपिल शर्मा का घर है, वो शायद वो उनकी डांस प्रैक्टिस वगैरह, जो उनका जो रिहर्सल होता है प्रोग्राम के लिए, जो भी प्रोग्राम होता है उनकी रिहर्सल इस बंगले में होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जस्ट मैं मेरे घर से निकल रहा हूँ और आपको नेक्स्ट कपिल शर्मा का बंगला दिखा रहा हूँ। तो गाइस देखिए, अब कपिल शर्मा का घर आ चुका है। ये कपिल शर्मा का बंगला है, यहाँ उन लोग की प्रैक्टिस होती है जो उन लोग रिहर्सल करते हैं। ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है, देखिए पीछे, ये फिल्म सिटी बॉम्बे फिल्म सिटी के अंदर है और यहाँ पर ये लोग अपनी शो की रिहर्सल करते हैं। तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ उन्हें, यहाँ खड़े रहते हैं, यहाँ टाइम पास करते हैं ये लोग, सब स्टार लोग, जितने भी कपिल शर्मा के शो के जो स्टार हैं वो काफ़ी टाइम मुझे यहाँ दिखे हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह, काफ़ी बंगलोज का इलाका है और इसमें फर्स्ट बंगला है वो कपिल शर्मा का ही है, जो कपिल शर्मा अपना प्रैक्टिस करता है यहाँ पर। अब आगे जाके और दिखाता हूँ मैं कुछ क्या क्या है यहाँ पर। अभी इस समय फिलहाल हम फिल्म सिटी इलाके में घूम रहे हैं। मैं लोग आए, देखिए मेरे घर के नज़दीक ही एडवेंचर पार्क है यहाँ पर। और ये देखिए बहुत बड़ा बनेगा, शायद यूट्यूब का आप जानते होंगे, गप्पू द क्या क्या बताया इनका नाम, गप्पू द राइटर। देखिए गप्पू द राइटर नाम का एक बंदा है, ये बहुत फेमस है यूट्यूब के लिए, और वो इस समय एडवेंचर कुछ कर रहा है। ये क्या क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, तो जस्ट मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये भी बहुत फेमस हस्ती है यूट्यूब की, मुझे पता नहीं था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये एडवेंचर क्लब है, फिल्म सिटी का नज़ारा। ये स्टार लोग के जो पोस्टर है उससे आपका आइडिया लग जाएगा कि ये फिल्म सिटी नगरी है। यहाँ काफ़ी टिकटॉक आर्टिस्ट लोगों ने अपनी शूटिंग की थी। अब तो टिकटॉक फिलहाल बंद है, पर काफ़ी खूबसूरत जगह शूट करने के लिए। देखिए सब जंगल और नज़ारा, जो यहाँ का पहाड़ी इलाका और ये जो पेंटिंग की हुई है पहाड़ी इलाकों पर, ये खास फिल्म दर्शाता है कि ये फिल्म सिटी यहाँ पर है। इसी से पता चलता है कि हम फिल्म सिटी माहौल में घूम रहे हैं, जो शूटिंग का माहौल, शूटिंग का रास्ते, सारी शूटिंग की मतलब लोकेशन है पूरा यहाँ पर। तो गाइस और फिल्म सिटी में आपको घुमा रहा हूँ आगे आगे चलते हुए, दिखते जाइए मेरे साथ। देखिए गाइस, मैं फिल्म सिटी के नज़दीक ही रॉयल पम्प नाम का एक इलाका है, यहाँ पर रहता हूँ मैं। आपको दिख रहा होगा रॉयल पम्प, बस यही जो फिल्म सिटी, यहाँ बगल में फिल्म सिटी है। तो सारे जो फिल्म सिटी के आर्टिस्ट लोग हैं वो अधिकतर यहीं रहते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी नज़दीक पड़ता है ये। एडिटर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट जो भी हैं वो सब इसी इलाके में रहते हैं। ये रॉयल पम्प के इलाका है जो पूरा फॉरेस्ट एरिया के बीच में बसा हुआ है ये, और सारे लोग अधिकतर बॉम्बे के लोग यहीं रहते हैं, फिल्म आर्टिस्ट के लोग। जैसे आपको कपिल शर्मा का दिखाया था, वो काफ़ी आर्टिस्ट लोग, जूनियर आर्टिस्ट लोग, जिनको कन्वीनियंट पड़ता है शूटिंग में जाने के लिए। अभी यहाँ आगे जो फॉरेस्ट इलाका है वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी घूमने की जगह है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यही सब फिल्म सिटी के नज़दीक ही आता है, तो आप देखते जाइए। मैं आगे आगे जैसे चलता जाऊँगा बाइक पर आपको दिखाता रहूँगा। सिटी में ही बोट क्लबिंग है यहाँ पर, यहाँ सारी बोट राइडिंग होती है। बहुत खूबसूरत इलाका है, मुंबई के बीचों बीच में इलाका है मगर काफ़ी रखी है। ये देखिए बोट क्लब छोटा कश्मीर, ये इलाका जिसके संग मैं बाइक पे घूम रहा हूँ, ये मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, इनका भी एक चैनल चल रहा है पीके की मस्ती, आप प्लीज़ सब लोग देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। और ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसी ने मुझे इसी ने मुझे प्रेरणा दी है कि आप YouTube पे आ जाइए। यार भाई के चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और फर्स्ट ब्लॉग है, मैं थोड़ा सा ये थोबड़ा बता देता हूँ आपको। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं बोट के अंदर, आगे हम चलते हैं कि क्या होता है क्या नहीं आता, पूरा ब्लॉग में लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है और आपका सपोर्ट आई नीडेड सब्सक्राइबर। ओके गाइस, मिले पीके की मस्ती में हरीश मुंबईकर। चलो गाइस, हम बोटिंग क्लब के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि जब हमने बाहर से देखा नज़ारा, देखा यहाँ बोटिंग क्लब का, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, लोग बोटिंग कर रहे हैं। रेस्टोरेंट देख के ही भूख लग गई, और भूख लग गई तो मुंबई का, मुंबई की फेवरेट चीज़ वड़ा पाव हुआ है, जैसे आपको पता है वड़ा पाव है, मिसल पाव है, भजिया। इस समय मैं मिसल पाव खा रहा हूँ, और मिसल पाव खाते ही सीधा बोटिंग करूँगा, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा बोटिंग करने के लिए।
तो अगली अगला मेरा वीडियो लग गई है बहुत जोर से प्यास, तो मैं पी रहा हूँ पानी की बोतल से पानी, आप लोग भी एंजॉय करो। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको भी बताया था कि सामने बोटिंग क्लब है, और फिर पता नहीं बोटिंग देखते मुझे इच्छा हो गई, काफी दिनों से मैंने बोटिंग नहीं की थी, तो मेरे पास चलो थोड़ा बोट राइड भी कर लेते हैं। तो देखिए मैं छोटा कश्मीर मुंबई के कोरेगांव इलाके छोटा कश्मीर के माहौल में इस समय मैं बोटिंग क्लब में बोट चला रहा हूँ। सो गाइस एंजॉय कीजिए मेरे साथ बोटिंग क्लब में, मैं आपको नेक्स्ट छोटा कश्मीर का वापस नजदीक से दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर आज की जर्नी में यहीं से बात करूंगा, क्योंकि फिल्म सिटी के आसपास का जो मैंने नजदीक का इलाका था, देखिए मेरी सांस चढ़ गई बोलते बोलते, क्योंकि बोटिंग करना बहुत हार्ड है। यहाँ दिखाइए पाओ नीचे, ये जो मैं पैडल मार रहा हूँ काफी देर से थक गया हूँ, 15-20 मिनट से चला रहा हूँ मैं। आप देख रहे हो कितना खूबसूरत नजारा है ये बोटिंग का, काफी दिनों बाद मैंने बोटिंग किया तो मुझे काफी आनंद आ रहा है यहाँ बोट करते हुए। ये देखिए, जी हाँ ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब की, होप आप लोग लाइक करोगे मेरी जर्नी आपके हरीश मुंबई के साथ। सो गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए। फाइनली हम आज का ब्लॉग यहाँ बंद कर रहा हूँ मैं, और होप आपको इस तरह से रोज मैं शेयर कराऊंगा मुंबई की, मुंबई दर्शन का, या जहाँ भी मैं जाऊँगा होप आप मेरा साथ दोगे, और ये जरूर भूलिएगा मत मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। बाय एवरीबॉडी, जय हिंद।